स्टार्ट बटन क्या कहलाता है? ये स्टार्ट बटन के जो होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है टास्क बार। क्या कहलाता है? ये टास्क बार। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा फाइल टास्क बार के अंदर है? टास्क बार में देखिए क्या शो हो रहा है। पहले आपका ब्रश और पेंट शो होता था, क्यों? क्योंकि हम पेंट की फाइल ओपन किए हुए हैं। अब देखिए टास्क बार के अंदर क्या शो हो रहा है। ये सिंबल होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी राइटर का, ये चिन्ह होता है। अगर एमएस वर्ड होता तो यहाँ पे क्या ऐसे टाइप का डब्लू टाइप का बना होता है या व्हाइट कलर और ब्लू कलर में लाइनिंग होता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा कौन सा फाइल ओपन है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वर्ड्स का इसमें नहीं आ रहा है। इसमें नहीं आया, इसमें ओपन ऑफिस का सिंबल आता है। सब में ऐसे ही आ रहा है। एक बार शॉर्टकट तरीके से ओपन कीजिएगा, विंडो प्लस आर एस राइटर। मैं बता रहा हूँ, देखिए एक बार अन्य ना इसको क्लोज कर। पहला चीज इसका एक या तो ये फीचर होगा 3.4.1 का। दूसरा रीजन कि जब भी आप ओपन ऑफिस को डेस्कटॉप से डायरेक्टली ओपन करेंगे तो उस शो करेगा क्या चीज जो आपका अभी शो हो रहा था। अगर आप शॉर्टकट तरीके से किसी डायरेक्ट फाइल को ओपन करते हैं, शॉर्टकट तरीका होता है जैसे रन कमांड के द्वारा डायरेक्ट आप उसी फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, उस फाइल को शो करेगा। एक बार विंडो बार दबाना, ये आपका रन कमांड होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी राइटर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगा? विंडो प्लस आर। कीबोर्ड में विंडो बटन कौन सा होता है? वाइट वाला, इस टाइप का, ये वाला। इसको दबा के रखना होता है और आर को दबाना होता है, एक हाथ से ये और दूसरे हाथ से आर, तो ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां जो बॉक्स आएगा, पहले से अगर कुछ टाइप है तो उसको बैक स्पेस की के द्वारा डिलीट कर देंगे और फिर वहां पे क्या लिखेंगे? एस डब्ल्यू आर आई टी ई आर, एस राइटर। ये एस राइटर को लिखा
उसका शॉर्टकट वे है। अब आप ये जैसे कहोगे सिकंदरपुर जाना है मेरे को, उनका तरीका अपना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको क्लिक कर दीजिए या एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। सर एक सवाल और था, यहाँ पर मैं कैपिटल वर्ड या कैसे कुछ चीज मिक्स करके टाइप कर, आपकी मर्जी है, कैपिटल स्मॉल दोनों में टाइप कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ मेरे को? जैसे ऑफिस 98 2000 2003 अब जो भी आप करेंगे वहाँ से वर्क प्लान तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सारे शॉर्ट आउट की प्रॉब्लम ऐसे शॉर्ट आउट हो सकती है। हाँ ये भी इसके होते हैं, उसी को बता रहे हैं कस्टमाइज करना, ये कह रहा था कस्टमाइज करना है। कोई भी चीज़ अभी अभी डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अभी यहाँ पर आ गई क्या कह रहा है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? मैं बोल रहा था स्क्रोल बार बता दिया मैंने। अब देखिए ये होता है आपका स्टेटस बार, क्या होता है ये स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या कहलाता है? जिसके अंदर आपका पेज, अब इसमें आपको वर्ड शो नहीं करेगा पर एमएस वर्ड रहेगा तो उसमें वर्ड शो कर देता है कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं। इसमें आपको पेज शो करता है कौन से लैंग्वेज में आप उसे टाइप कर रहे हैं। तो स्टेटस बार पेज का स्टेटस बताता है कि आपके पास टोटल कितने पेज हैं, आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितना कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, कौन से लैंग्वेज में टाइप किए हैं। वर्ड्स तो इसमें नहीं है, मैं दोनों को लेके बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके सामने आए जी, तो आप ये ना हो कि ठीक है। स्टेटस बार अगर आपसे कोई पूछता है ना तो आप ये डेफिनेशन दोगे तो सही होगा। अब उसको ये तो नहीं बताओगे ना कि आपने ओपन ऑफिस किया है, आपको तो आता है, आप राइटर दो या एमएस वर्ड दो। मेरे अगर कंप्यूटर स्किल की बात करेंगे तो मैंने भी एमएस ऑफिस ही सीखा है, यहाँ पे काम किया तो इसका यूज हुआ, तो हमने इसके लिए कोर्स नहीं किया, हमें खुद उसी हिसाब से अपना ठीक है। तो आप इसको चलाना जान जाओगे ना, सीख जाओगे, तो आप एमएस ऑफिस भी चलाना जान जाओगे, सीख जाओगे।
क्योंकि आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, आपको पता है कि क्या करने से क्या होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम कर करके सीख जाते हैं। थोड़ा सा बस गाइडेंस होना चाहिए जो कि आपको मिल चुका है। अब इसके अंदर अब एक और चीज बताऊंगा कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इतना आप लोगों को पता चल गया होगा कि राइटर का उपयोग किस लिए करते हैं। ये स्टेटस बार में आगे के भी कुछ दो ऑप्शंस है, जैसे इंग्लिश का अगर ब्रैकेट में यूएसए लिखा है, इंसर्ट एसटीडी, ये बताऊंगा सर मैं। ठीक है, स्टेटस बार के अंदर आपका पेज का स्टेटस कि आप टोटल कितने पेज हैं, कौन से पेज पे आप टाइप कर रहे हो, कौन से लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो, पेज पे कितना इंसर्ट, क्या चीज है, जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट कर लिया, जो भी चीज कर लिया, वो आपको बता देता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आता है ये ड्राइंग टूल बार, इसमें नहीं वो हाइड है। हाँ, आप अभी पेज पे मैंने आपको एक चीज बताया कस्टमाइज करना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कस्टमाइज का मतलब क्या होता है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखे और कुछ ऑप्शन ना दिखे, आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमाइज हो रखा है, उसको यूजर या बाय डिफॉल्ट हाइड करके रखा गया है। आप जब सीख जाओगे तो आप उसे ला सकते हो, हटा भी सकते हो, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे में नहीं है वो, है वो हाइड है, जब सीख जाओगे तो आप उसे रख सकते हो। अगर आपको उसकी जरूरत है, आपको किसी और ऑप्शन की जरूरत है उसको रख लीजिए। इन सभी ऑप्शनों को आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, टास्क बार पे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप। पर कब? जब आप पूरे अच्छे से सीख जाएंगे और जिस ऑप्शन को जरूरत महसूस होगा। अगर मान लीजिए आपका ज्यादा से ज्यादा काम राइटर पे हो रहा है, तो आप अपने डेस्कटॉप पे राइटर को ही रखेंगे ना कि पावर पॉइंट को रखेंगे, है कि नहीं? अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो आप हिंदी के बारे में बता सकते हैं, मैथ्स के बारे में तो बता